नमस्कार साथियों एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथमाउंट यूपीएससी पर आप सभी का स्वागत है मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी आज इस विशेष श्रृंखला के एक और उपाख्यन के तहत एक और कानून हमें देखना है द इंडियन प्रीमियर कोड 1860 यानी कि यह एक उपनिवेशिक कॉलोनियल या अंग्रेजकालीन कानून है जो आज दिन तक भारत में ऑपरेशनल है ऐसे बहुत ही कम कानून है जो कॉलोनियल समय में बने हैं जो उपनिवेशिक समय में बने हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए हैं मगर आज दिन तक ऑपरेशनल है और ये इनमें अं से है बहुत ही जो है कम है जिनकी गिनती इनमें से यह एक कानून है जो तब का बना हुआ है मगर आज दिन तक भले ही इसमें काफी सारे हमने अमेंडमेंट किए हैं ताकि जो बदलते समय को एडेप्ट की जो है करी जा सके मगर यहाँ इसका जो ढांचा है वो अपने आप में कॉलोनियल है वो अपने आप में औपनिवेशिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथ ही यह चर्चित कानून भी है क्योंकि अपने आप में भारत में यह एक दंड के लिए अपराध के लिए यह एक प्रमुख कानून है यह एक प्रमुख व्यवस्था है तो अपने आप में बहुत ही चर्चित है काफी सारे इसके प्रावधान जो अपने आप में कुछ कठोर है कुछ आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रोवर्शियल है ठीक है तो वो सारी चीजें हमें यहाँ देखनी है साथ ही में एक ऑलराउंड अप्रोच यहाँ एक ऑलराउंड अप्रोच यहाँ हमें जो है आप कह सकते हो कि एस्टेब्लिश करके देखना है कि ऑल अराउंड यह कानून जो है इसका परिचय किया है इसका बैकग्राउंड किया है यानी कि इसकी पृष्ठभूमि डेवलपमेंट इसका कैसा हुआ साथ ही में इसका उद्देश्य किया है मुख्य उद्देश्य एवं इसका प्रमुख प्रावधान किया है और अंततः तो हम इसके पक्ष और प्रतिपक्ष की भी चर्चा करते हैं तो अपने आप में परीक्षा लक्ष्य यह पूरा हमारा उपाख्यन है प्लस जैसा आपको मालूम है कि यह इक्यानवा उपाख्यन है इस श्रृंखला का तो इसके पहले के जो नब्बे उपाख्यन है उसमें अलग अलग उपाख्यनों में प्रति उपाख्यन में प्रति कानून के बारे में बात की है जो अपने आप में सिविल सर्विसेज़ के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है साथ ही में जो अन्य प्रतियोगिता परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है एवं एक सही समझ को एक बेहतर समझ को बनाने के लिए भी वो चीज़ें जो है वो जाननी जरूरी है तो मैं आपको अनुरोध करूँगा कि अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी है तो आप प्रतिदिन दो या तीन ऐसे कानूनों को जो है पढ़िए दो, दो या तीन कानूनों का ग्रोथ मॉन्ट यू के इस चैनल से अध्ययन कीजिए आपकी नोट्स बनाइए साथ ही आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ आपको दृश्यमन है ग्रोथ मॉन्ट एजुकेशन डॉट कॉम वहाँ से आपको ये सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगी एवं अन्य परीक्षा संबंधी संसाधन भी मिल सकते हैं और साथ ही में अन्य अपडेट्स के लिए ग्रोथमॉन्ट यूपीएससी की अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम एवं हमारे फेसबुक के साथ भी जुड़ सकते हैं रही बात इस पुस्तिका की जिसके तहत हमारी आधार पर हमारी है, है, है पहला कानून है जो अपने आप में, के साथ डील करेगा लास्ट पार्ट ऑफ दिस बुक ठीक है तो यहाँ दस से बारह कानून देखने हैं तो अपने आप में यह अब श्रृंखला जो है वो अपने संपूर्ण होने की शुरुआत यहाँ हो चुकी है श्रृंखला की तो धीरे धीरे अब दस या बारह कानून हमारा जो टाइम टेबल है उसके तहत देखेंगे जिसके तहत हम लोग प्रति सप्ताह तीन कानूनों का अध्ययन करते हैं उनको देखते हैं अब शुरू करेंगे मूल बात जो इंट्रोडक्शन से शुरू होगी जैसे आपको मॉडल्स मालूम ही है एक ही मॉडल्स ऑपरेंटी से हम लोग चीजों को समझते हैं जिनके तहत कानून का ए टू लेके जेड तक सारे जो महत्वपूर्ण पहलू है उनको हम लोग स्पर्श करने का प्रयास करते हैं यहाँ इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे तीन चार बिंदु है जो हमें देखने हैं जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि इंडियन पेनल कोड 1860 इज द प्रिंसिपल क्रिमिनल रजिस्ट्रेशन इन इंडिया यस प्रिंसिपल प्रमुख आपराधिक कानून है भारत में अपराधों को रोकने के लिए अपराधों के दंड के लिए यह प्रमुख कानून है प्रमुख व्यवस्था है इट इज अ प्रिंसिपल मैकेनिज्म या आप कह सकते हो कि प्रिंसिपल लेजिस्लेशन या विधान या कानून कह सकते हो और इसीलिए महत्वपूर्ण है ठीक है और जैसे मैं आपको बताया कि बहुत ही कम कानून है जो कॉलोनियल समय में बने थे मगर आज दिन तक तो ऑपरेशनल है तो ये उनमें से एक है तो वैसे भी महत्वपूर्ण है आगे देखें तो इट कवर्स अ सब्सटेंशियल एक्सपेक्ट ऑफ व्हाट क्राइम आर एंड लेस डाउन द पनिशमेंट फॉर द सेम यस यहाँ एक बहुत ही जो है इस कानून के द्वारा दिया जाता है कि भाई जो अपराध होते हैं वो क्या होते हैं और उनकी सजा क्या होती है ठीक है तो एक बहुत ही अच्छा परिदृश्य हमारे सामने यह कानून रखता है कोड हैज बीन इन प्लेस सिंस 1860 एंड इज अ कॉलोनियल लेजिस्लेशन यह एक कॉलोनियल लेजिस्लेशन है हालांकि इसका गठन जो है इस, इसका जो फॉर्मेशन है इस कानून का वो 1834 में हो गया था

प्रति अपराधों के बारे में बात नहीं करता वरना यह बहुत ही लेंदी हो जाएगा यह कानून बहुत ही विस्तृत हो जाएगा तो यहाँ एक जर्नलाइज एक आप कह सकते हो कि एक परिदृश्य क्रिएट किया गया है इस कानून के द्वारा कि अपराध क्या होते हैं अपराध का स्वभाव जो है वो क्या होता है बेसिक स्वभाव जो क्या होता है और एक हमें आउटलाइन दी गई है ठीक है एक कंडीशनल आउटलाइन दी गई है जो अपराध की परिभाषा में आते हैं तो उसके जो है आधार पर यहाँ अपराध तय किए जाते हैं तो अपने आप में यह कि जनरल कोड है यह बहुत ही बड़ी बात है ठीक है सारी चीजों को स्पेसिफिकली जो है समाहित करना उससे बेहतर है कि एक जनरल परिभाषा देना एक सामान्य परिभाषा देना कि भाई अपराध क्या होता है उसका स्वभाव क्या होता है उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है ठीक है इत्यादि चीजों का एक ओवरऑल जो है आप कह सकते हो कि डिस्क्रिप्शन देना वो यहाँ किया गया है तो उसके आधार पर किसी भी क्रिया को किसी भी क्रिया को अपराध है या नहीं वो हम लोग डिफ्रेंशियट कर पाएंगे और अगर अपराध हुआ तो उसके लिए यहाँ सजा के प्रावधान तो है बट एज ऑफ नाउ यस ही समय में आया मगर अभी तक चल रहा है वो बात भी सही है मगर इसमें काफी सारा परिवर्तन आ गया है हालांकि मूल ढांचा जो है वो सेम ही है मगर अन्य जो सारी चीजें हैं वो बदल गई है और अधिकांश अधिकांश इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं या नहीं सपोज समझ लीजिए कि जो मूल जो कानून है ठीक है जो फंडामेंटल लेजिस्लेशन है और यह न्यू लेजिस्लेशन है ठीक है तो फंडामेंटल लेजिस्लेशन आज दिन की बात करें तो मात्र और मात्र तीस फीसद ही रहा है ठीक है अन्य सत्तर फीसद चीजों को अमेंड किया गया है जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे अमेंडमेंट इसमें होते रह गए तो यहां फंडामेंटल चीजें तीस फीसद के आसपास है और लगभग लगभग अधिकांश सत्तर फीसद इसमें आप कह सकते हो कि अमेंडमेंट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ़ दिस लेजिस्लेशन इज दैट इट इज जनरल कोड जिसका मैंने आपको जो है दिया कि यह एक सामान्य संहिता है सामान्य संहिता यानी कि यह एक आउटलाइन के बारे में बात करती है

सामान्य परिभाषा दी गई कि भाई अपराध क्या होते हैं किस तरीके से उनको जो है उनका क्रिया होता है उनका स्वभाव क्या होता है सो दिस इज द बिग डील और यही इस कानून का क्रिशियल एस्पेक्ट है तो ये इसके बारे में कुछ परिचय था अब बैकग्राउंड की बात करें कि कैसे यह कानून डेवलप हुआ तो फिर से तीन चार बिंदु में देखना है हमें जिनमें प्रथम बिंदु कहता है कि द कोड वॉज ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इन एटीन थर्टी फोर अंडर थॉमस मैकोले यानी कि यह एक प्रथम कानूनी आयोग था यह चीजें बहुत ही जरूरी है क्योंकि फैक्चुअल है और फर्स्ट लॉ कमीशन ठीक है जो कि सर थॉमस मैकोले की अध्यक्षता में था जिनके द्वारा इसका सर्जन जो है वो किया गया है कोड बोरोड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंग्लैंड एडेप्टेड इट इंडियन कंडीशन यस इसमें कुछ नया नहीं है मगर जो इंग्लैंड में प्रणाली चल रही थी इंग्लैंड में जो दंड संहिता थी उन्हीं के प्रावधानों को यहाँ भारतीय जो है समय या भारतीय जरूरत के मुताबिक उनको आप कह सकते हो कि मोल्ड किया गया उनको ऐसे यहाँ डिजाइन किया गया विच फिट्स टू इंडियन कंडीशन ठीक है इसमें कोई नई बात नहीं है जो चीजें वहां थी उपलब्ध ऑलरेडी उनको ही यहां भारत के लिए लाया गया है देयर वाज बिग गैप इन ड्राफ्टिंग एंड एक्चुअल एनैक्टमेंट ऑफ कोड जिसका जिक्रम ने किया और इट वाज बिकॉज़ इट वाज बीइंग रिवाइज्ड बाय बर्नार्ड पीकॉक हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट फिर इसके पश्चात तो जो आखिरी बिंदु है वो the तो कहता है और ये एक अच्छा इस कानून का ठीक है अगर रिजिड हो तो ऐसे कानून आउटडेटेड हो जाते हैं उनकी जगह में उनको रिपिल करके हमें कोई नए कानूनी व्यवस्था या नए कानून को लाना पड़ेगा या लाना पड़ता है तो ये एक इसका अच्छा पहलू है अब बात करते हैं कुछ रेखांकित किए गए यहाँ इस कानून के मुख्य उद्देश्य जिनमें सबसे प्रथम कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर इन सिविलाइज सोसाइटी एंड मैं द सेम यस इस कानून का प्रमुख उद्देश्य यही है कि भाई ऐसी क्रियाओं को पहचानना ऐसी क्रियाओं को रेखांकित करना कि जो सभ्य समाज में जो सभ्य समाज में एक अपराध है और इन अपराधों के लिए सजा के प्रावधान भी यहाँ इस कानून में दिए गए हैं तो ये इसका प्रथम

अगर क्रिमिनल लेजिस्लेशन के प्रावधानों को वायोलेट किया किसी भी नागरिक ने तो उनको सजा के प्रावधान है मगर ऐसा कोई भी जो है क्रिया जो कि क्राइम नहीं कहलाती या क्राइम की परिदृश्य में जो है वो नहीं आती ऐसी क्रिया के लिए राज्य किसी भी नागरिक को सजा नहीं दे सकते वो यहाँ इस कानून का एक उद्देश्य है तो कुल मिलाकर इस कानून ने जो इस कानून में जो निर्दोष है उनका पक्ष लेने की बात की है यह एक कानून नहीं है, यह कठोर कानून नहीं है that, यह दोनों में एक इंटरकनेक्शन है एक बैलेंस रखा गया है ठीक है और दोनों एक दूसरे के प्रावधानों को उल्लंघित नहीं करते हैं एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे के फंडामेंटल्स को उल्लंघित नहीं करते हैं और इसीलिए देर आर बैलेंसेज अगेंस्ट द विम्स एंड and ऑफ दिटीजन देखिए नया शब्द है जो अपने आप में इच्छा के लिए उपयोग में लिया जाता है किसी भी नागरिक की या राज्य की इच्छा तो वो यहाँ कही गई है तो दोनों का ध्यान रखा गया है राज्य की इच्छाओं का भी ध्यान रखा गया है नागरिक की इच्छाओं का भी ध्यान रखा गया है सो देर इज अ बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पिनल लॉ या आप कर सकते हो कि क्रिमिनल लॉ ये इसके उद्देश्यत है अब हमें इसके प्रावधानों को देखना है चैप्टर थोड़ा विस्तृत है पूरा का पूरा इस जो है कानून का और काफी सारे अध्यायों में काफी सारे चैप्टर्स में यह कानून विभाजित है जो महत्वपूर्ण अध्याय है इनमें से हम उनका यहाँ जो है जिक्र करेंगे उनको यहां हमने ऑन बोर्ड लिया है जिसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे द आईपीसी व्हिच इज शॉर्टली Uh, termed for Indian Penal Code basically lists out a numerous instances that would be considered as a crime, its punishment and the person liable to be charged for the same. This applies to any person who is of Indian origin. The act is large and has twenty-three chapters and five hundred and eleven sections. The act is divided as follows. Yes. It is big by Indian Constitution by law of land. ठीक है कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें भी साढ़े चार के करीब आ, जो है धाराएं दी गई हैं मगर यहाँ भारतीय दंड संहिता में तकरीबन 500 से अधिक धाराएं हमारे पास है जो तीस है। कि 23 चैप्टरों में विभाजित है चैप्टर फर्स्ट टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय है दिस कवर्स द स्कोप ऑफ द एक्ट यानी कि इस कानून का जुरिस्टिक्शन इस कानून का व्याप जो है वो यहाँ प्रथम अध्याय में जो है रेखांकित किया गया है

सोचता है जो क्राइम हुआ है वो कौन से कौनसिक्वेंसेस में हुआ है कौन सी कंडीशन में हुआ है ये कानून उनको भी रिकॉग्नाइज करता है उनको भी कंसिडर करता है ठीक है तो यहाँ यही कहने की बात की गई है कि भाई कोई भी व्यक्ति के द्वारा अगर क्राइम हुआ है ठीक है मगर क्राइम के कॉन्सिक्वेंसिस कुछ ऐसे है ठीक है कि जो कल्प्रिट है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो इन दैट केस यहाँ जो क्राइम है उसकी जो डिग्री है वो कम कर दी जाएगी कॉन्सिक्वेंसेस को सिचुएशन को कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ठीक है तो यहाँ ये अपना आप में इस कानून का एक बड़ा पहलू है दिस सिचुएशन इंक्लूड मेंटल अनसाउंडनेस एज इनकेपेसिटी और इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट वंस विल एक्सीडेंट एंड एक्ट्स बेस्ड ऑन गुड फेथ यस तो यहाँ इनमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी है जिनमें क्राइम की डिग्री जो है वो कम हो सकती है जिनमें मेंटल अनसाउंडनेस है uh, जो है मानसिक मांसि, संतुलन जो है वो अगर गड़बड़ा गया है तो एज इफ अ एमिट्स अन यहाँ क्राइम की जो डिग्री है वो कम हो सकती है वो यहाँ इस कानून ने आइडेंटिफाई किया है फिर इनकेशन अगेंस्ट वन विल एक्सीडेंट एंड एनी एक्ट फॉर गुड फेथ यस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी ऐसा कृत्य जो है वो अपने आप में लाइबिलिटी क्रिमिनल लाइबिलिटी कम करेगा या उसे शून्य कर देगा दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शन इट क्रिएट्स अंडर द आईपीसी

तो ही कोई भी कृत्य जो है वो अपराध कहलाएगा फिर चैप्टर फाइव बात करता है के बारे में। क्राइम है, फॉर द ठीक ऐसा नहीं है कि यह किसन कैन बी पर्सन क्राइम देर रिमेंस अ पॉसिबिलिटी दैट नॉट इवन एवरी वन इन्वॉल्व इन दैट एक्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट इन द मैनर एंड डिग्री अबेटमेंट इन दिम्पलियस्ट टर्म पुशिंग टू डू द एक्ट यस किसी और को उकसाना ठीक है

इन कृतियों को भी क्राइम किया कहा गया है इस चैप्टर के द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी जो है परिभाषा उनको रेखांकित किया गया है कि भाई इन सिचुएशंस को जहां दुष्प्रेरणा मिल रही है ठीक है किसी एक व्यक्ति एक व्यक्ति को किसी वो एक व्यक्ति से तो यहाँ वो जो प्रेरणा देने वाला है दुष्प्रेरणा देने वाला है वो भी अपराधी है ये यह बात यहाँ स्पष्ट की गई है चैप्टर फाइव ए कवर्स क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच इज एन एग्रीमेंट बाय टू और मोर पर्सन टू कमिट अ क्राइम यस तो यहाँ चैप्टर फाइव ए जैसे यहाँ अल्फाबेट आया तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये पीछे से अमेंडमेंट में से अमेंडमेंट से यह जो पूरा अध्याय है वो जुड़ा गया होगा मूल कानून में यह अध्याय मौजूद नहीं होगा जो बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा प्लान्ड मैनर में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्राइम करने की जो है बात होती है उसे यहाँ कवर किया गया है चैप्टर फाइव ए के तहत

राज्य की मशीनरी को अपने कर्तव्य करने से रोकना अपना काम करने से रोकना यह भी एक अपराध है जो यहाँ आइडेंटिफाई हुआ है चैप्टर के तहत और इस कानून की धारा 124 जो है वो उसके बारे में बात करती है 124 है 124 ए है ठीक है तो ये सर है राजद्रोह या राज्य के सामने अपराधों के बारे में बात करता है जो काफी हम हम सुनते हैं समाचार पत्रों के जो है माध्यम से या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आमतौर पर ऐसे जो केसेस है वो या तो एंटी नेशनल एलिमेंट्स के ऊपर होते हैं या तो पोलिटिशियंस के ऊपर होते हैं तो काफ़ी सारे बार यह चर्चा में रहते हैं आई के इन प्रावधान अब चैप्टर सेवन की बात करें तो ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी नेवियन एयरफोर्स यानी कि डिफेंस के सामने अगर कोई अपराध किसी ने किया जो कि डिफेंस को हम कर रहा है उनके पर्सनल को मशीनरी को ठीक है तो यहाँ चैप्टर सेवन में उसे एक अपराध माना गया है और उसके पनिशमेंट की भी व्यवस्था की गई है

Tranquility. Tranquility यानी कि शांति जो बना है जो बिना है शांति बनी है. अगर उसके साथ कोई किसी ने छेड़छाने की रायोटिंग किया ठीक है तो यहाँ एक प्रकार से चैप्टर एट के तहत वो एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा अब उसमें कहा गया है द मार्क ऑफ एनी सिविलाइज सोसाइटी इन पब्लिक स्पेस विदाउट

लॉफुल अ uh, तो खिलाफ है, जो एक अपना आप में है अब आगे देखे तो चैप्टर नाइन विच डील्स विद ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट maintain certain standards when it comes to their performance of रिक्वाड duty. Yes, public servant kiya hai. जो लोक सेवक है वो सामान्यतः राज्य का एक विस्तृत अंग है जो प्रजा के बीच में रहते हैं और प्रशासनिक कार्य देखते हैं सरकारी कार्य देखते हैं सरकार के प्रशासन का कार्य देखते हैं दिस चैप्टर कवर्स दो एस्पेक्ट्स दैट आर क्रूशियल टू एंश्योर दैट द इंटीग्रिटी ऑफ पब्लिक सर्विट इज मेंटेन्ड बाय मेकिंग इट ए क्रिमिनल ऑफेंस टू इंडल्ज इन करप्शन फ्रेम एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद द इंटेंट टू कोज इंजरी एंगेज इन अनलॉफुल ट्रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये तो यहाँ पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कुछ ऐसे आपराधिक कानूनों को यहाँ रेखांकित किया गया है जिनकी हमें ब्लू दी गई है कि जो एक्टिविटीज़ इन पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा की जाएगी वो अपने आप में आपराधिक मानी जाएगी जिनमें करप्शन है या अन्य कोई जो है ऐसे ही ऐसे फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन है, है किसी और के विरुद्ध ठीक है तो ये सारी चीजें आपराधिक मानी जाएगी किसी भी लोक सेवक या सरकारी अधिकारी के लिए चैप्टर नाइन ए विच वॉज एडेड इन नाइनटीन ट्वेंटी क्योंकि यहाँ पीछे अल्फाबेट आया और अधिकांश रूप से कानूनों में जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं या कानूनों की धाराओं में पीछे जो क्लोज आते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लोज वो लगभग लगभग जो है पीछे से ही उसको जोड़ा दिया गया होता है यानी कि अमेंडमेंट की मदद से ही उनको जोड़ा गया होता है हमने चैप्टर फाइव ए देखा यहाँ चैप्टर नाइन है और यहाँ तो लिखा भी गया है कि ये पीछे से नाइनटीन में इसको जोड़ा गया विच कवर्स द ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलेटेड टू इलेक्शन विच इंक्लूड ब्राइबरी हरकतों का एक परिदृश्य दिया गया है जो अपने आप में आपराधिक हम लोग कह सकते हैं या आपराधिक स्वभाव की हो फिर चैप्टर टेन विच public servant. For ऑफ पब्लिक सर्वेंट फॉर द and ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड पीस इट authority ऑफ

Uh, साक्षी उत्पन्न करना या ऐसी कोई माहिती किसी भी uh, सार्वजनिक प्राधिकरण को पब्लिक प्राधि ऑथोरिटी को, को, को देना वो अपने आप में ऑफेंसिव रहेगा इस कानून के प्रावधानों के तहत और इसीलिए जो महितियां ऑथोरिटी तक पहुंचेगी वो रिलायबल ही होगी वो सही ही होगी फिर चैप्टर ट्वेल्व विच डील्स विथ ऑफेंस रिलेटिंग टू क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प दिस चैप्टर कवर्स इंस्टेंस ऑफ काउंटरफिटिंग करेंसी

सामान्य प्रजा जो है वो अपना विश्वास भी खो सकती है तो ऐसा ना हो इसलिए विशेष करके ऐसे कृतियों को आपराधिक गिना गया है और कठोर से कठोर सजा के प्रावधान भी दिए गए हैं चैप्टर थर्टीन विच डील्स विथ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स ठीक है फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज जो वेट्स एंड मेजर्स में होती है वो भी एक अपने आप में क्रिमिनल है क्योंकि वे कस्टमर्स को कस्टमर्स के साथ फ्रॉड करते हैं

Yes, स्वास्थ्य तो की बात आती है तो यह एक आप कह सकते हो कि उसे प्रिजर्व करने की उसे संरक्षित करने की जरूरत है और उसे प्रिजर्व उसे संरक्षित करने के लिए ऐसे कोई भी कृतियों को हमें अपराध कहना पड़ेगा जो उनको नुकसान कर रहे हो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को बिगड़ रहे हो ठीक है तो इसलिए यहाँ चैप्टर फोर्टीन के तहत ऐसे कोई भी कृत्य को जो जाहिर स्वास्थ्य को हम कर रहा हो उसको नुकसान कर रहा हो वो यहाँ अपराध कहलाएगा द सेम इज इजेड जो हमने देखा टू परस्यू दिस गोल एंड एर ऑफ एक्शन सच एज रेस्ट ड्राइविंग द एक्शनजेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डेंजरस डिसीज फॉलोइंग द वॉटर एडल्टरेशन ऑफ फूड एंड ड्रग एंड कंडक्ट विध रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस आर कंसिडर्ड एज अ क्राइम ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो दिशा निर्देश कोरोना के समय में जो जिनमें मास्क एंड डिस्टेंसिंग है, है, है? आज भी ठीक है, है, विविध लिबर्टीज के साथ हमें आज भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है मास्क के नियमों का एवं सोशल डिस्टेंसिंग का तो सरकार यह हमारे पास करवा सकती है ठीक है पालन करवा सकती है क्योंकि यहां आईपीसी के तहत उनको कुछ पावर्स मिले हैं आईपीसी में कहा गया है कि भाई जाहिर स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो उसको वो प्रधान चीज है उसे कुछ भी करके बचाना है तो इन दैट केस सरकार ऐसा फैसला ऐसा नियम बना सकती है ऐसे कानून बना सकती है ठीक है और इनका पालन हमें करना चाहिए इनका पालन करना आवश्यक है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनके इस सामानी जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है फिर अनिया का, काफी सारी चीजें है, हैं रेस ड्राइविंग द स्प्रेड ऑफ ऑफ डेंजरस जो मास्क सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो यह एक आउटलाइन है ठीक है और इस आउटलाइन में काफी सारी चीजें नहीं था क्योंकि यह आउटलाइन एक ब्रॉड नेचर की है एडल्टन ऑफ फूड फूड एंड ड्रग्स ठीक है तो यह सारी चीजें क्रिमिनल है अब चैप्टर फिफ्टीन ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन धर्म संबंधी अपराध

उनके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी सेट होगी अब चैप्टर 16 में ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू ह्यूमन बॉडी मानव शरीर संबंधी जो कोई अपराध है उनका जिक्र है मैं आपको बता दूं आईपीसी का यह सबसे बड़ा अध्याय है दिस इज द लार्जेस्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी एंड इज ऑफन सिनोनिमस विथ व्हाट पीपल कंसीडर टू बी क्रिमिनल लॉ दिस कवर्स क्राइम्स सच एज मर्डर डोरी डेथ ठगरी हर्ट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यूज ऑफ फोर्स असल्ट किडनपिंग सेक्शुअल ऑफेंस एंड अननेचुरल ऑफेंस ठीक है तो ये सारी चीजें जो किसी मनुष्य के साथ हो रही है उसके देह के साथ उसके बॉडी के साथ हो रही है तो वो सारी चीजें यहाँ इस चैप्टर के तहत चैप्टर सिक्सटीन के तहत अपने आप में आपराधिक कहलाएगी ऑफ दिस द लास्ट टू एस्पेक्ट सो ऑफ सेक्शुअल पनिशमेंट ऑफ रेप एंड आर्टिकल थ्री सेवन सेवन अनचरल सेक्शन थ्री सेवन थ्री सिक्स एजेंस्ट वर ऑन एंड सेक्शन सेवन वॉज इनवेडेटेड इन द हिस्टोरिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया अब इस धारा को डिक्रिमलाइज किया गया है ठीक है अन्यचुरल ऑफेंस अन्यचुर ऑफेंस में संलैंगिक संबंध की बात आती है सेम जेंडर सेक्स की बात आती है ठीक है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पहले तो सारी चीज़ें क्रिमिनल थी ठीक है दो पुरुषों के बीच में संबंध दो महिलाओं के बीच में संबंध ये सारी चीज़ें क्रिमिनल थी मगर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि भाई इसको आप हटा दो ये क्रिमिनल नहीं है ये डिक्रिमिनलाइज इसको कर दो तो आज जो अननेचुरल सेक्स है वो भले ही अननेचुरल है मगर लीगल है ठीक है इट इज़ नॉट इलीगल इट इज नॉट क्रिमिनलाइज्ड वैसे यहाँ सेक्शन 375 एंड 376 की तो जो है जरूरत है क्योंकि आज जैसे हमें हम देखें हम अगर क्रिमिनल आंकड़े देखें तो हम पाएंगे कि भाई जो वुमेन्स के विरुद्ध जो क्राइम्स हो रहे हैं स्त्रियों के खिलाफ जो क्राइम्स हो रहे हैं जिनमें अधिकांश रेप जो होते हैं या सेक्शुअल असल्ट होता है प्लस गैंग रेप्स होते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़ें रोकनी आ, हमें बहुत ही आवश्यक है और इनको रोकने के लिए यह प्रावधान है सेक्शन 375 सेवनटी फाइव विच कन्फर्म्स द एक्टिविटी इज रेप एंड सेक्शन 376 सेवेंटी सिक्स विच डील्स विद द पनिशमेंट फॉर द सेम ठीक है तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ याद रखनी है विच सिक्योर द राइट्स ऑफ एल जी बी टी क्यू जो हमने देखा कि यहाँ अन्यचुरल ऑफेंस को डिक्रिमिनलाइज करना यानी कि एल जी बी टी क्यू समुदायों के राइट्स उनको प्रदान करना जिनमें लेस्बियन है गे है क्वीर है ट्रांसैक्शुअल है बाइसेक्सुअल है ठीक है।, है तो इन सारे जो है लोगों को या इन सारे लोगों के समुदाय को एक प्रकार से आप कह सकते हो कि उनके कृतियों को डिक्रिमिनलाइज करना बिन बनाना अब चैप्टर में अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात की गई है दिस इज द दर इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ द आईपीसी विच कवर्स क्राइम्स सच एज थेफ्ट थे रोबरी डकैती क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रेच ऑफ ट्रस्ट चिटिंग मिशिफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास ठीक है तो अगर किसी ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है तो यहाँ उनको सजा इस आईपीसी के अध्याय के तहत मिलेगी चैप्टर 17 के तहत मिलेगी क्योंकि किसी भी व्यक्ति ने आपकी मिलकत के ऊपर ट्रेस पास किया है आपकी मिल्कत के ऊपर कब्जा बनाया है जमाया है तो इट इज़ ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड दिस चैप्टर डील्स विथ दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेस अब उसके पश्चात देखें तो चैप्टर 18 में की बात की गई है जिनमें डॉक्यूमेंट्स for के साथ की चढ़ीट एक्टिविटी जिसे कहते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ के तहत गुनाहित प्रवृत्ति है जिनके लिए सजा का प्रावधान है वही चैप्टर ट्वेल्व कवर्स कॉइन्स दिस चैप्टर कवर्स काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड बैंक नोट्स ट्वेल्व में, में देखा था क्वॉइन्स की बात थी क्वॉइन्स एंड स्टम्स और यहाँ करेंसी नोट्स की बात है जो पेपर करेंसी है उस संबंधी अगर कोई अपराध है तो यहाँ इस अध्याय के तहत तो वो अपराध माना जाएगा पहले तो फिर सजा के प्रावधान भी यहाँ जो है दिए गए हैं देन चैप्टर टॉक्स अबाउट क्रिमिनल ब्रैच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बट द चैप्टर हैज रिपील्ड इसको फिर बाद में यहाँ से निकाल कर यहाँ से रद्द करके सिविल प्रोसीजर कोड में उसको जो है डाल दिया है यानी कि आप कह सकते हो कि दीवानी Uh, वो एक प्रकार का मामला बन जाएगा क्रिमिनल मामला अब ये रहा नहीं ठीक है तो चैप्टर नाइन को यहाँ इन्होंने रिपिल कर दिया है देन चैप्टर ट्वेंटी कवर्स द ऑफेंसेस ऑफ गेमी एडल्टरी एंटेसमेंट एंड डिटेंशन ऑफ मैरिड वुमेन चैप्टर ट्वेंटी ए इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर विच कंटेन्स सेक्शन फोर नाइनटी एट ए विच इज अबाउट द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन टू क्रुएल्टी फॉर लॉरी ठीक है तो यहाँ कुल मिलाकर किसी भी विवाहित नारी के सामने या विवाहित नारी के खिलाफ कोई भी अपराध जो है वो यहाँ रिकग्नाइज किया गया है इस कारण के चैप्टर ट्वेंटी में तो ये सारी चीजें अपने आप में क्रिमिनल लाइबिलिटी तय करेगी फिर चैप्टर ट्वेंटी वन डिफेमेशन विच रिफर्स टू दर्सन रेप्यूटेशन ये मान हानि जिस हम लोग कहते हैं मान मान को हानि करना ठीक है विच इज कॉल्ड डिफेमेशन

इस कानून के अध्याय तेईस में जो प्रयत्न है कोई भी गुनाहित प्रवृत्ति करने का उसे भी गुनाही बताया गया है उसके लिए भी सजा के प्रावधान है अब अमेंडमेंट्स की बात करें तो जैसे आपको मालूम है कि अमेंडमेंट उपनिवेशिक है तो यह जाहिर है कि इसमें काफ़ी सारे संशोधन किए होंगे तब जाके यह आज की जो है डिमांडिंग सिचुएशन को आप कह सकते हो कि उसके पैरेलल चल सकता है मगर इनमें से जो रेखांकित चीजें हैं जो जननी जरूरी है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं दो बिंदु है, IPC से एक है का और दूसरा है दो हजार तेरह का ठीक है बाकी क्या नियम जो है मिसलेनियस है जो हुए जरूर है मगर इतने महत्वपूर्ण नहीं है मात्र और मात्र इन दो अमेंडमेंट्स के साल में याद रखना है फिर देखिए यहाँ तीन सौ और तीन का अलग से उल्लेख किया गया है विशेष उल्लेख किया गया है क्योंकि जैसे मैं मालूम है कि आज जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात चल रही है इक्कीसवीं सदी में हम लोग जी रहे हैं एक समान समाज, समाज होना चाहिए दोनों के तो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच में जो आज भेद है वो कम होना चाहिए तो ऐसे में उनके खिलाफ होने वाले जो गुनाह है जो अपराध है उनका भी कम होना इतना ही जरूरी है तो इनको कम करने के लिए सेक्शन 375 जो कि रेप को कंफर्म करती है रेप की परिभाषा है एंड सेक्शन 376 सेवनटी सिक्स विच प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द सेम एज दिस क्राइम्स आर फ्रीक्वेंटली न्यूज एंड कंटिन्यू टू रिमेन ए प्रॉब्लम इन इंडिया और जिसे मैं मालूम है कि भारत में तो और उसमें भी जो विशेष राज्य है मैं उनके नाम लेने से बचूंगा मगर जो विशेष राज्य है वहाँ स्त्रियों की जो सुरक्षा है वो आज एक बहुत ही अहम प्रश्न है बहुत ही बड़ी समस्या है तो ऐसे में यहां भारत में इन प्रावधानों को बहुत ही मजबूत होना आवश्यक है और इसलिए इस चर्चा करनी है या आखरी पहलू है। इस उपाख्यान का जिसके तो हम लोग दोनों पक्ष देखेंगे मेरिट्स भी देखेंगे, मेरिट्स भी देखेंगे मगर शुरू हम लोग आलोचना सा करेंगे तीन बिंदु है सबसे प्रथम बिंदु कहता है इंडियन पिनल कोड इज काफी Uh, सारी आलोचना का आईपीसी को सामना करना पड़ता है क्योंकि यहां अपने आप में यह है तो ही तो उनकी जो मोडस रेप्रेसिवी uh, है ठीक है है उसके लिए यहाँ इसकी आलोचना होती है कि सामने वाले को कुचलना ये आईपीसी का एक uh, आप कह सकते हो कि मूल तत्व है ऐसा आलोचकों का एक वर्ग एक समूह मानता है यह पहली आलोचना दूसरी मोस्ट ऑफ द वाइडली क्रिटिसाइज्ड प्रोविजन सर सेक्शन 124 है राजद्रोह या ये रस्ट्र दो कर सकते हो सेक्शन 377 व्हिच इज अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड एंड सेक्शन 477 व्हिच इज एडल्टरी ठीक है तो ये कुछ इसके ऐसे जो प्रावधान है कुछ ऐसी धाराएं है जो बहुत ही विवादास्पद रही है इन वर्षों में ठीक है तो इनका कुछ करना चाहिए इनका दुरुपयोग जो है वो भी बढ़ गया है तो उसका काउंटर मैकेनिज्म भी सेट करना चाहिए ये दूसरा आलोचना का बिंदु है तीसरा और आखिरी आलोचना का बिंदु कहता है प्रोविजन फॉर द डेथ पेनल्टी अंडर वेरियस सेक्शन इज वरियसो क्रिटिस ठीक है जैसे हमने देखा अगर जजमेंट्स की बात करें तो बच्चन सिंह के जजमेंट में देखा था कि भी कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि भाई IPC में जो डेथ पनिशमेंट का जो प्रावधान है जो कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वो असंवैधानिक नहीं है मगर वो संविधान के रिसाइलेंस में है वो संविधान के एकॉर्डेंस में है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी यहाँ कुछ डेथ पनिशमेंट या कैपिटल पनिशमेंट की जो आप कह सकते हो कि धारा है जो कुछ प्रावधान है इस कानून में वो जरूर रहे हैं एंड इस साइड अगर की बात करें तो यहाँ सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि क्रिमिनल लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन इज क्वाइट एविडेंटली एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यस आमतौर पर जो आपराधिक कानून होता है वो महत्वपूर्ण कानून में से एक होता है ठीक है तो ये अपने आप में एक इसका पहला महत्व है क्योंकि ये अपने आप में आपराधिक कानून है अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया है दूसरा इट ऑफ कंट्री ऑन डीम्ड एज अनएक्सेप्टेबल यस कुछ ऐसा कृतिया है कुछ ऐसा अपराध है जो कतई स्वीकृत नहीं है जो अनएक्सेप्टेबल है तो यहाँ यह कानून इन अपराधों को आइडेंटिफाई करता है और उनके ऊपर भारतीय राष्ट्र का स्टैंड जो है वो तय करता है कि भाई हम क्या चाहते हैं कि हम लोग यह चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो ये इसका दूसरा महत्व है and lastly, it is one of the most longest standing legislation that is both comprehensive and generalized to work as foundation of criminal law in India. one of the most longest standing legislation जैसे कॉलोनियल समय में बना है मगर आज दिन तक ऑपरेशनल है ऐसे बहुत ही कम है बहुत ही कम है मगर उनमें से यह एक है जो अपने आप में व्यापक भी है और एक सामान्य परिभाषा यानी कि generalized कोर्ट भी है जो भारत में अपराध के स्वरूप को बताता है अपराध कैसा होता है उसका एग्जीक्यूशन कैसा होता है उसकी एक परिभाषा हमारे सामने रखता है सो दिस इज इट फॉर टूडे आई होप यू जूड द लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है आई एवं पॉपुलर भी है साथ ही में हमने यहाँ इस उपाख्यन में एक होलिस्टिक अप्रोच से कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया राइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू इट्स क्रिटिसिज्म एंड इम्पोर्टेंस हमने इस कानून के अलग अलग पहलू देखे चीजों को परीक्षा दृष्टि एवं सामान्य दृष्टि से समझने का प्रयास किया हम लोग मिलेंगे इसी श्रृंखला के एक और उपाख्यन में एक और नए कानून के साथ भाग बारह के जो कि इस पुस्तिका का आखिरी कानून है इस श्रृंखला के भी आखिरी कानून में से एक होगा तो दीजिए इजाजत तब तक के लिए देखते रहिए गोल माउंट यूपीएससी साथ ही हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले जय हिंद जय भारत